प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 15 को देखो, दमदार प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में आपसे कहना क्या चाह रहा है, आपसे कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 15 के अंदर कि जैसे कि फिगर दिख रहा है आपको, ये डॉट 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 दिख रहे हैं, ये डॉट 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 जो होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। आपने मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से भी देखा होगा, तो क्रॉस जो होता है प्लेन ऑफ पेपर में इनवर्ड होता, तो ये डॉट है प्लेन ऑफ पेपर में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रोड जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, रोड का जो मूवमेंट आ रहा है वो इस तरफ को आ रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और वो वेलोसिटी का। अब सवाल ये है, हमसे ये कह रहा है द एंड ए ऑफ द रोड, रोड का जो एंड ए है, ए वाला एंड तो ये वाला हो गया, हमसे कह रहा है गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये हमसे कह रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो क्यों होगा, जरा इस स्टेटमेंट का ना ऑपरेशन करो। तो देखो, हम देखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज होगा। देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड ओपन कर लो या फिर राइट हैंड पाम रूल लगा लो, दोनों से सेम रिजल्ट निकल कर आते हैं, राइट हैंड पाम रूल हो या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो। देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपकी तरफ को है, तो ये जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और बीच वाला जो होता है ये मिड फिंगर, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर रोड जो है इसकी वेलोसिटी है इस तरफ को, तो ये कुछ इस तरीके से आपको अपना हाथ करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तो ये देखो जो थंब है वो बताता है फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रही होगी वो नीचे की तरफ को लग रही होगी। तो जब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स नीचे की तरफ को लगेगी, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे आकर इकट्ठा हो जाएगा, और जब नीचे को आ जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाएगी, तो जब ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाएगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखाई देंगे, सही है, और नीचे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो हमसे कह रहा था स्टेटमेंट में कि ये बताओ कि नीचे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बात सही है गलत, तो बात ये बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बड़े आराम से समझ ली, ठीक है। तो नीचे को फोर्स लगेगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि नीचे को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थैंक यू सो मच, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।